बारहवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से पाठ एक विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन से संबंधित इस भाग में हम पढ़ेंगे MCQs, या फिर आप कह लीजिए वैकल्पिक प्रश्न प्रे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप कुछ भी कह लीजिए आपको यहाँ पे चार ऑप्शन मिलेंगे आपका एक प्रश्न होगा आपको प्रश्न को पढ़कर उन चार ऑप्शन को समझ कर सही उत्तर को टिक करना है आंसर करना है आपको और इस पाठ से संबंधित यही प्रश्नों का जो एक प्रश्नों की एक श्रृंखला है वो लेकर हम आपके सामने आए हैं और इस पाठ से संबंधित टर्म वन में हमें हेल्प करेगा उसके लिए ये सीरीज हम लेकर आए हैं पढ़ें पाठ को सबसे पहले आप चैनल पर देखेंगे आपको एक प्लेलिस्ट सेक्शन मिल जाएगा अभिव्यक्ति और माध्यम का और उसमें आपको सारे चैप्टर्स मिलेंगे टर्म से संबंधित जो भी चैप्टर्स आप जाएं, वहां पढ़ें फिर आप यहां पर एमसीक्यूज पढ़ें इससे फायदे ये होंगे कि यहां पर जो एमसीक्यूज पढ़े जा रहे हैं वो तो समझ में आएंगे साथ ही पाठ को समझने से आपसे अगर एडिशनल क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जो आपने सब कुछ पढ़ने के बाद भी वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप आप कहीं कुछ हद तक उनके आंसर करने में अपने पाठ तो को जरूर पढ़ें। फिर हम यहाँ पर जो है शुरू कर रहे हैं यहाँ पे एमसीक्यू उसको ध्यान से पढ़ना है समझना है और परीक्षा की एक बेहतरीन तैयारी करनी है प्रश्न नंबर एक लेते हैं यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख माध्यम है सबसे पहले आपको शब्द जरूर समझ में आने चाहिए और उसके अर्थ समझ में आने चाहिए तभी आप उसके कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे कॉन्सेप्ट में पहुंच पाएंगे जन संचार क्या होता है जन यानी लोग संचार मतलब संचरण यानी एक चीज़ का दूसरी जगह तक आसानी से पहुंच पाना तो जो जन जन में संचार कर सके या संचरण कर सके एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सके एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंच सके और पहले आपको अपने ही रिश्तेदारों को अपने ही घर के लोगों को जो दूर दूर हुआ करते थे उनको चिट्ठी के जरिए कॉन्टेक्ट करना होता था और उसमें बड़ा टाइम लग जाता था धीरे 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 सारी चीज़ों में विकास हुआ है आप देखेंगे आपके पास प्रिंट मीडिया भी है टीवी है रेडियो है इंटरनेट है सब कुछ पॉसिबल हो चुका है ये जो भी चीजें हमें दूसरे लोगों से कनेक्ट करवाती हैं वो जनसंचार के माध्यम होते हैं अब हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा प्रमुख जनसंचार जनसंचाराध्यम तो ये जो चार ऑप्शन दिए इसमें से हमें ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा इसमें से सबसे प्रमुख है अब सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है प्रिंट मीडिया टीवी व रेडियो या इंटरनेट या फिर ये सभी और आज के जमाने में भी ये सारे के सारे ऑप्शन जो है जनसंचार माध्यम के बहुत ही जरूरी है और सारे के सारे प्रमुख है तो प्रश्न नंबर एक का जो है सही उत्तर घा हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं किसी भी माध्यम के लिए लेखन के लिए किसे ध्यान में रखना होगा कोई भी माध्यम जो भी जनसंचार का माध्यम है उसको उसके लिए जो कंटेंट लिखा जाता है उस कंटेंट को लिखने के लिए क्या चीजें ध्यान में हमें रखनी चाहिए चार ऑप्शन है माध्यम को लेखक को जनता को या बाजार को तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है माध्यम हमें माध्यम को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि माध्यम कौन सा है और उसके अनुसार जो उससे रिलेटेड रिलेटेड चीज़ें हैं कि हमें उससे रिलेटेड भाषा का ध्यान रखना है जनता का ध्यान रखना है और भी कई चीज़ें जो है वो तभी आती हैं ध्यान में रखने वाली जब हमें ये पता हो कि माध्यम कौन सा है यानी टीवी है रेडियो है और फिर न्यूज़पेपर्स है कौन सा माध्यम है ये आपको क्लियर होना चाहिए फिर आप उससे रिलेटेड जो सावधानियां हैं वो बरत पाएंगे तो किसी भी माध्यम के लिए और उसके लेखन के लिए सबसे जरूरी होता है उसके माध्यम का होना तो प्रश्न नंबर दो का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो का हो जाएगा आगे बढ़ते हैं आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम क्या है आधुनिक माध्यम आज के ज़माने में जो माध्यम चल रहे हैं उसमें अगर देखा जाए कंपेयर किया जाए तो उसके मुत, मुत, मुताबिक जो है वो सबसे पुराना माध्यम कौन सा है ओल्डेस्ट तो चार ऑप्शन है अखबार रेडियो टेलीविज़न या सिनेमा जो तीसरा प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का अखबार प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है जो अखबार जो है हमारा सबसे पुराना माध्यम है तो प्रश्न नंबर तीन का यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं आधुनिक युग की शुरुआत किससे हुई यानी कि अभी हम यहाँ पे जनसंचार के माध्यमों की बात कर रहे हैं तो जनसंचार के माध्यमों में आधुनिक युग की शुरुआत किससे होती है तो चार ऑप्शन है मुद्रण के आविष्कार से या फिर रेडियो के आविष्कार से या टीवी के आविष्कार से या फिर इंटरनेट के आविष्कार से तो जो चौथा प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का मुद्रण के आविष्कार से जो है आधुनिक युग की शुरुआत होती है आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पांच मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई है अब ये सारे डिटेल्स आपको चैप्टर में जरूर मिलेंगे इसीलिए चैप्टर आप जरूर पढ़े तो ये कोई नए प्रश्न ये सब कुछ पाठ से ही लिया गया है प्रश्न नंबर पांच जो है पूछ रहा है कि मुद्रण की जो है शुरुआत कहाँ से हुई है चार ऑप्शन है भारत अमेरिका चीन या फिर अरब तो प्रश्न नंबर पांच का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर तीन कि चीन जो मुद्रण की शुरुआत होती है वो चीन से हुई है अगला प्रश्न है भारत में पहला छापा खाना जो है कहाँ और कब खुला जो छपाई और जो प्रिंट मीडिया से रिलेटेड है सब ये सब पहले कहा और किस जगह पर कहा खुला है किस जगह पर और कब खुला है सारी जानकारी यहाँ पर जो है पूछी जा रही है उससे रिलेटेड कि पहला छापाखाना जो है वो कहाँ कब खुला तो चार ऑप्शन है बेंगलुरु में 1550 में दूसरा गोवा में पंद्रह में तीसरा हैदराबाद में 1600 सो में मुंबई में सत्रह में तो प्रश्न नंबर छः का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर खा गोवा पंद्रह आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर सात मुद्रित माध्यमों की विशेषता है मुद्रित माध्यम जो है उसकी क्या विशेषता है चार ऑप्शन है छपे हुए शब्दों में स्थायित्व तो, स्थायित्व तो मतलब वो एक बार छप गए वो चीजें वैसी की वैसी ही रहेंगी हमेशा लिखित भाषा का विस्तार हम लिखते हैं जो उसमें विस्तार ला सकते हैं चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं बता सकते हैं तीसरा चिंतन विचार और विश्लेषण का माध्यम है यानी हम उसमें सोचने विचारने और उसको जांचने परखने का जो है वो एक माध्यम है चौथा उपरोक्त सभी अब आप देखेंगे कि ये सारी ही चीजें जरूरी लग रही हैं मुद्रित माध्यम में होना बहुत जरूरी तभी वो मुद्रित माध्यम जो है थोड़ा ज्यादा अफेक्टिव फील होगा और वो अपनी जो प्रेजेंस है वो ज्यादा अच्छे से दे पाएगा तीनों ही पॉइंट जो है बड़े पॉजिटिव से पॉइंट है तो यहाँ पे जो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा हो जाएगा उपरोक्त सभी ये सारे ऑप्शन जो है मुद्रित माध्यमों की विशेषता होना जरूरी है और ये उनकी विशेषता होती भी है तो सातवें प्रश्न का जो उत्तर होगा वो घा ऑप्शन हो जाएगा आगे बढ़ते हैं रेडियो माध्यम है रेडियो माध्यम क्या है मतलब चाहे आप इसको इस प्रश्न को ऐसे बोल रहे रेडियो माध्यम है या फिर ये बोल रहे रेडियो माध्यम क्या है तो चार ऑप्शन है हमारे पास दृश्य दृश्य माध्यम 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 श्रव्य sein, श्रव्य इनमें से कोई नहीं अब आपको ये ऑप्शन समझ में आना चाहिए और ऑप्शन समझने के लिए आपको पाठ पढ़ा होना बहुत जरूरी है दृश्य माध्यम क्या होता है जिसमें आप देख सकते हैं श्रव्य माध्यम क्या होता है जिसमें आप सुन सकते हैं और दृश्य श्रव्य माध्यम दोनों ही जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं तो ये ऑप्शन हमें समझ में जरूर आना चाहिए अब आपको ये साफ साफ इसका उत्तर समझ में आएगा कि रेडियो माध्यम क्या है श्रव्य माध्यम क्योंकि हम इससे सिर्फ सुन सकते हैं जानकारियों को सुनकर समझ सकते हैं तो आठवें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू अगला प्रश्न देखते हैं रेडियो में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है चार ऑप्शन है मेरे पास एक ही समाचार को कभी भी और कहीं से भी नहीं सुन सकते दूसरा किसी गूढ़ गूढ़ यानी गहरे शब्द के अर्थ को समाचार के दौरान नहीं ढूंढ सकते तीसरा अखबार की तरह पीछे लौट कर नहीं सुन सकते चौथा उपरोक्त सभी तो प्रश्न नंबर नौ का जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर फोर होगा क्योंकि रेडियो के साथ इन सारी समस्याओं के साथ जूझना पड़ता है क्योंकि जब रेडियो में कोई समाचार आता है तो हम उसको कहीं से भी नहीं सुन सकते हैं दूसरा अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड आ गया तो हम पॉज नहीं कर सकते और ना समझ सकते हैं फिर हमें आगे ही बढ़ना पड़ता है और तीसरा अखबार की तरह हम पीछे लौट कर उसे दोबारा नहीं देख सुन सकते हैं तो इसलिए ये रेडियो में हमें ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं प्रॉब्लम्स तो प्रश्न नंबर नौ का जो ऑप्शन नंबर फोर होगा वो सही हो जाएगा प्रश्न नंबर दस मूलतः रेडियो है यानी अब आप इस प्रश्न को इस तरीके से पूछ सकते कि रेडियो क्या है मूल रूप से रेडियो क्या है एक रेखीय माध्यम द्विरेखीय माध्यम त्रिरेखीय माध्यम या चौथा इनमें से कोई भी नहीं तो प्रश्न नंबर दस का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है एक रेखीय माध्यम यानी एक रेखीय माध्यम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो रेडियो है वो एक रेखीय माध्यम है आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर ग्यारह रेडियो समाचार की संरचना आधारित होती है जो रेडियो का जो समाचार लिखा जाता है जो उसकी बनावट होती है जो उसका क्राइटेरिया तैयार किया जाता है उस समाचार को सुनाने का लिखने का प्रेजेंट प्रेजेंट करने का उस किस पे आधारित होता है किस पे बेस्ड होता है सीधा पिरामिड शैली पर उल्टा पिरामिड शैली पर तीसरा समानांतर पिरामिड शैली पर चौथा उपरोक्त में से कोई भी नहीं तो जो प्रश्न नंबर ग्यारह है उसका सही उत्तर हो जाएगा उल्टा पिरामिड शैली पर उल्टा पिरामिड शैली पर से संबंधित जितनी भी जानकारी आपको पाठ में सारी मिल जाएगी उल्टा पिरामिड शैली में आपको पूरा एक जो आप कह सकते हैं इमेज के जरिए उल्टा पिरामिड क्या होता है वो बताया है उल्टा पिरामिड शैली में क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो भी बताया है और वो न्यूज़ के लिए किस तरीके से प्रभावशाली होता है ये भी बताया है इसलिए आप जरूर पाठ को पढ़ें और समझें तो हमें ये पता चल जाता है कि रेडियो समाचार की जो संरचना है वो किस पे बेस्ड होती है उल्टा पिरामिड शैली पर तो प्रश्न नंबर गा का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा आगे बढ़ते हैं रेडियो के समाचार लेखन के लिए आवश्यक बुनियादी बातें हैं जो बहुत जरूरी बातें हैं बेसिक जो जो बेसिक जरूरी चीज़ें हैं वो रेडियो समाचार लेखन से संबंधित वो क्या है साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी दूसरा डेडलाइन संदर्भ और संतिप्त संक्षिप्त अक्षर का प्रयोग एक डेडलाइन होती है संदर्भ होता है और छोटे अक्षरों का प्रयोग करते हुए हमें न्यूज़ देनी होती है तीसरा ऑप्शन है का और खा दोनों चौथा उपरोक्त में से कोई भी नहीं जो प्रश्न नंबर बारह का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा गा ऑप्शन यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों ही सही है हमारे लिए क्योंकि जब रेडियो का समाचार लेखन लिखा जाता है तो उसकी आवश्यक बुनियादी बात यही है कि साफ सुथरी कॉपी होनी चाहिए और टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए दूसरा उसकी एक डेडलाइन होती है संदर्भ होता है और संक्षिप्त अक्षर होते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक श्रव्य माध्यम है तो सब कुछ क्लियर कट होना चाहिए इस वजह से ये चीज़ें होना बहुत जरूरी है तो प्रश्न नंबर बारह का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर गाह हो जाएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तेरह प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार की कॉपी को टाइप किया जाना चाहिए यानी जो न्यूज़ आप ऑन एयर करने वाले हैं उसकी तैयारी की जा रही समाचार की जो कॉपी होती है उसको टाइप किया जाना चाहिए कैसे सिंगल स्पेस में डबल स्पेस में ट्रिपल स्पेस में या फोर स्पेस में तो जो प्रसारण की जो कॉपी है उसका जो न्यूज़ है या फिर उसका जो कंटेंट है वो किस तरीके से टाइप किया जाना चाहिए ये यहाँ पे प्रश्न हमसे पूछ रहा है तो प्रश्न नंबर तेरह का जो उत्तर हो जाएगा वो होगा सही उत्तर ट्रिपल स्पेस में इसका सही उत्तर है प्रश्न नंबर तेरह का ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं रेडियो समाचार लेखन के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है यानी जो रेडियो के लिए समाचार लेखन होता है उसमें क्या जरूरी है चार ऑप्शन है कॉपी के दोनों और पर्याप्त हाशिया छोड़ जाना चाहिए या फिर एक लाइन में अधिकतम बारह से तेरह शब्द होने चाहिए या फिर एक से दस तक के अंकों को शब्दों में लिखा जाना चाहिए या फिर उपरोक्त तो सभी तो प्रश्न नंबर चौदह का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहां पर ऑप्शन नंबर गा जो है वो सही हो जाएगा कि एक से दस तक के अंकों को शब्दों में लिखा जाना चाहिए तो इस तरीके से जो प्रश्न नंबर चौदह है उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा कि जो रेडियो के लिए समाचार लेखन है उसको आप देखेंगे कि जिस तरीके से हर एक लाइन जो है उसको काउंटिंग के जरिए लिखना चाहिए कि सब कुछ चीजें साफ साफ रहे क्लियर कट रहे किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना रहे फ्लो में सारी चीजें बोली जा सके और परफॉर्म की जा सके तो एक से दस तक के अंकों के शब्दों में लिखा जाना चाहिए अगला प्रश्न है टेलीविजन माध्यम है टेलीविजन माध्यम क्या है आप चाहे ये बोले टेलीविजन माध्यम है या टेलीविजन माध्यम क्या है या टेलीविजन माध्यम इनमें से क्या है प्रश्न को किसी भी तरीके से बना सकते हैं तो चार ऑप्शन है इसके यहाँ पे दृश्य माध्यम श्रव्य माध्यम दृश्य श्रव्य माध्यम इनमें से कोई भी नहीं और बहुत ही आसान प्रश्न है सबको मालूम है इसके उत्तर कि जो टेलीविज़न है वो उसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर गाह हो जाएगा कि ये एक दृश्य श्रव्य माध्यम है यानी कि जिसमें देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है तो इस तरीके से आप देखेंगे हम यहाँ पर जो पाठ है विभिन्न माध्यमों के लिए लेकर उससे संबंधित प्रश्न कर रहे हैं अगले भाग में टेलीविज़न माध्यम के लिए से संबंधित और भी प्रश्नों को हम देखेंगे और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा टम वन एग्ज़ाम से रिलेटेड और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइमली मिल सकें और अच्छे अच्छे कॉन्टेंट मिल सके ताकि आप एग्ज़ाम्स में स्कोर कर सकें